आईपीएल 2024 के 38वें मुकाबले में मुंबई के खिलाफ मैदान पे आया राजस्थान की ओर से गेंदबाजी कराते हुए संदीप शर्मा का तूफान। दोस्तों, संदीप शर्मा के सामने मुंबई के सभी बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और संदीप शर्मा ने एक ओवर की 6 गेंद उड़ा दिए, 5 विकेट। दोस्तों, अभी देखना चाहते हो मुंबई के बल्लेबाजों ने शर्मा जी के सामने कैसे टेके घुटने। इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 38वां मुकाबला राजस्थान मुंबई टीम के बीच में स्टार्ट होता है एसएमएस स्टेडियम जयपुर के मैदान पे। और दोस्तों, इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। स्टार्टिंग में यह फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ने रोहित शर्मा को मात्र 6 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। उसके बाद संदीप शर्मा ने बिना कोई खाता खोले ईशान किशन को पवेलियन भेज दिया। दोस्तों, इस मुकाबले का असली ट्विस्ट तब आया जब चौथा ओवर लेके आए संदीप शर्मा ने पहली गेंद पे सुरकुमार यादव को 10 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। हालांकि उसके बाद तिलक वर्मा और नेहल बधेरा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, जहां पर तिलक वर्मा ने 65 रन की पारी खेल डाली 45 गेंदों में 3 छक्के की मदद से। उसके बाद मोहम्मद रवि ने 23 रन लगाए 17 गेंदों में और नेहल बधेरा ने मात्र 24 गेंदों में 4 छक्के की मदद से 49 रन की पारी खेल डाली। मगर दोस्तों, 20वें ओवर की पहली गेंद पे तिलक वर्मा को अपना निशाना बना दिया संदीप शर्मा ने और पहली गेंद पे आउट करवा दिया। उसके बाद संदीप शर्मा ने टिम डेविड को मात्र 3 रन के स्कोर पे आउट कर दिया और ग्रेल्ड कोर्जे को बिना कोई खाता खोले पवेलियन भेज दिया। और इस तरीके से संदीप शर्मा ने मुंबई खिलाफ 4 ओवर के स्पेल में मात्र 18 रन देकर के सबसे ज्यादा 5 विकेट चटका दिए। दोस्तों, मुंबई की टीम 200 रन के ऊपर जाने वाली थी, उसी मुंबई की टीम को संदीप शर्मा की घातक गेंदबाजी ने 179 रन के स्कोर पे रोक दिया।